सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आ चुके हैं आधार आईडी के ऊपर। ठीक है, तो आप में से बहुत बंदों ने हमसे पूछा था कि नए आईडी में सर क्या फीचर आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। तो जो लोगों ने भी हमसे आईडी ले रखा है पहले ही, या फिर जो लेने वाले हैं वो भी देख लीजिए, और जो लेने मतलब ले चुके हैं रिसेंटली आईडी लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उनको कि कैसे काम करना है, तो उसके लिए वो एक ट्रेनिंग वीडियो के हिसाब से भी देख लीजिए कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। क्योंकि पुराने पोर्टल के अनुसार नए पोर्टल में कुछ कुछ चीज़ें जो है मतलब पुराने दिनों की वजह से अभी अपडेट हो चुका है कुछ कुछ चीज़ें, तो वो आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। एडमिन आईडी यानी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस देख सकते हो ये है पोर्टल अपना। ठीक है, ऐसा इसका लॉगिन इंटरफेस है एकदम ओरिजिनल साइट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेमो आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेमो आईडी लॉगिन कर लिया, देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस जीरो है। तो जब आप लोग हमसे डेमो आईडी मांगते हो तो आपको यही आईडी जो है दिया जाता है। ठीक है, कि कोई नया बंदा आके हमसे पूछता है कि सर डेमो आईडी दिखाए, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट होना है कि ये जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है। कि ये हमें बहुत सारा ऐसा होता है कि पैसा ले लेता है लेकिन आईडी नहीं मिलता। ठीक है, जिस डर के वजह से हमारे साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये फ्रॉड हो चुका है कि हमसे भी लोगों ने आईडी लिया है। ठीक है, कि पहले आईडी दे दीजिए सर फिर पेमेंट। तो गाइज ऐसा नहीं होता जनरली, आपको भी पता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। क्योंकि हमें भी मान लीजिए ये जैसे आपके लिए हम एक आईडी बनाएंगे तो हमारे वो जो एडमिन पोर्टल आपने देखा उसमें से हमारा भी मतलब पॉइंट्स वहाँ से कटते हैं, तो वो जो हमारा लॉस हो जाता है जब अगर आप आईडी नहीं लेते। इसलिए हम क्या करते हैं डेमो आईडी आपको लॉगिन करा के दिखा देते हैं कि भाई देख लो ऐसा है ऐसा है, ऐसा सिस्टम है, ऐसे काम करना है। ठीक है, बाकी सेटअप और ट्रेनिंग आपको तभी मिलता है जब आप आईडी का पेमेंट करते हो। ठीक है, तो कोई आके ये प्लीज़ मत बोलना कि सर पहले आईडी दे दो लॉगिन करके चेक करेंगे फिर पेमेंट देंगे, तो आपको डेमो आईडी ही मिलेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो पहले आपको पेमेंट लगेगा और आईडी का प्राइस रहेगा 1499 यानी 1499, 1500 रुपये, 1500 रुपये आपका आईडी का प्राइस रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि एक ही आईडी में आपको काफ़ी कुछ सर्विस मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो रिटेलर आईडी में इतना कुछ ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन जो है आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि इसमें नया और भी सर्विस एड ऑन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि रहेगा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, और मैनुअल डाटा प्रिंटिंग, जो कि होता है मान लीजिए किसी का आधार बना हुआ है लेकिन उसको ना ही रिसिप्ट पता है और ना ही उनके पास आधार नंबर होता है लेकिन उनको चाहिए होता है, तो वो फिंगर और अपना कुछ डिटेल्स के द्वारा अपना आधार कार्ड आपसे ले सकता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे बैलेंस जीरो है, तो सबसे पहले आपको जो है आईडी मिलने के बाद रिचार्ज करना होगा। हाँ, और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो 1500 रुपये होगा इसमें आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बैलेंस आईडी में जीरो रहेगा। ठीक है, ये पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि कोई कोई हमसे आईडी लेने के बाद बोलता है कि बैलेंस नहीं आया, आपने नहीं बोला था वीडियो में कि 1500 में बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता दूँ कि बैलेंस इसमें आपको जीरो मिलेगा, एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अगर पे आधार नंबर डाल के फेज डेटा पे क्लिक करोगे मंत्रा में उनका लाइट आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि कोई कोई हमसे बोलते हैं कि सर मॉर्फो काम करेगा कि नहीं करेगा, स्टैटिक काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे बता दूँ मंत्रा, मॉर्फो, स्टैटिक सब काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको खुद सेटअप करना होगा वो, अगर मंत्रा होगा आपका, क्योंकि देखिए मंत्रा का क्लाइंट वगैरह हम भी देते हैं सबको। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के पास मंत्रा ही होता है, तो मंत्रा का हम क्या करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ में आपको क्लाइंट सॉफ्टवेयर और जो ड्राइवर रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए हम वो भेज देंगे आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मॉर्फो होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस होगा, अरेटिक डिवाइस होगा, कुछ भी होगा, जितना भी है कुछ भी डिवाइस होगा मंत्रा छोड़ के, उसका सेटअप आपको खुद से करना होगा। हर एक सिस्टम का क्लाइंट सर्विस आता है। ठीक है, तो वो क्लाइंट सर्विस आपको खुद से फाइंड करना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उस आपका उस बायोमेट्रिक आईडी का। ठीक है, उसको आपको खुद से इंस्टॉल करना होगा, खुद से आपको सेटअप करना होगा, वो हम नहीं करा सकते। ठीक है, अगर मंत्रा होगा तो हम करा देंगे, लेकिन बाकी का हम नहीं करा सकते, पहले ही बोल रहा हूँ, ये बाद में मत बोलिएगा कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर ये। ठीक है, और सपोर्ट के लिए आपको जो नंबर दिया जाएगा उन दोनों नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, हमारे टीम मेंबर्स ऑलवेज बैठे रहेंगे। संडे को आपका ऑफ रहेगा, तो मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप काम कर सकते हो कभी भी। ठीक है, अब यहाँ पे बता दूँ कि स्लिप कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। तो स्लिप का बात करें तो स्लिप आपको यहाँ पर ओरिजिनल रसीद जो है, अगर डेमोग्राफी अपडेट करोगे जैसे UCL और ECM पे अपना सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे ऑफिस पर जो है, अब ऑफिस टूर आपके लिए लाएंगे कैसे काम होता है, तो उसमें हमारा ऑफिस में जो है